बेसन से हम जो भी मिठाई बनाएं या लड्डू बनाएं, बर्फी बनाएं, पेड़ा बनाएं, रोल बनाएं, जो भी मिठाई बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आज हम रोल बनाने वाले हैं और चलिए हम रोल बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं। तो हमने यहाँ ले लिया है घी। तो घी जैसे कि हम यहाँ 2 चम्मच ले रहे हैं। बस घी को जो है कि मेल्ट होने देते हैं। तो जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो हम यहाँ बेसन ले रहे हैं। तो हमने इस कटोरी से 1 कटोरी हमने बेसन लिया है और आप किसी भी 1 कटोरी का या कप का आप मेजरमेंट बना लीजिए। तो अब हम बेसन को डाल करके हम इसे भूनेंगे और इसे अच्छे से पहले हम मिक्स कर लेते हैं। तो बेसन की भुनाई करते समय हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही हम जो है कि बेसन को भूनेंगे। तो बहुत ही अच्छे से हम जो है कि बेसन को भून लेते हैं। तो बेसन को भूनते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और बेसन अच्छे से भून गए हैं। तो इसकी यही पहचान है कि जब बेसन हमारे अच्छे से भून जाते हैं तो इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो पूरे किचन में बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो बेसन से चाहे हम जो भी रेसिपी बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, बर्फी बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, जो भी बनाते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है। तो देखिए बेसन हमारे भून चुके हैं तो गैस को हम बंद कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा सा हम अगर बेसन जब हमारे ठंडे हो जाएंगे इसके बाद हमें क्या करना है मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बेसन हमारे भून चुके हैं और मैंने कढ़ाई में से बेसन को निकाल लिया है ठंडा होने के लिए। तो जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम यहाँ 1 कटोरी चीनी ले रहे हैं और उसी कटोरी से हम 1 कटोरी यहाँ पानी ले रहे हैं। बस आप सिर्फ 1 कटोरी या 1 कप का किसी चीज़ का मेजरमेंट बना लीजिए और उसी से आप सारा काम कीजिए। तो बस हमें चीनी को जो है कि मेल्ट होने देना है। मैंने यहाँ नॉनस्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। आप इस रेसिपी को कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं। यह नहीं कि मैं नॉनस्टिक में बना रही हूँ तो आप भी नॉनस्टिक में ही बनाएं। कोई भी कढ़ाई में इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चीनी जो है कि अच्छे से मेल्ट हो गई है और ये फट भी रही है। तो बस हमें कुछ भी नहीं करना है, इसे सिर्फ हमें जो है कि इसकी चाशनी बनानी है। तो ये देखिए जो मैंने बेसन को भून करके रखा था तो ये जो है ठंडा हो गया है। तो मैं ठंडा हो गया है इसलिए मैं इसे हाथों से छू पा रही हूँ। तो आपको ठंडा ही लेना है, बस हल्का हल्का सा गर्म हो। तो यहाँ मैं ले रही हूँ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर मैंने 1 कटोरी लिया हुआ है। अब इसके अंदर हम मिल्क पाउडर डाल करके इसे बहुत ही अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो आपको गरम गरम में मिक्स मिल्क पाउडर नहीं ऐड करना है, हल्का हल्का सा गरम हो जैसे कि हम हाथों से छू पाएँ, तो वैसा ही आपको लेना है। तो देखिए मैं छू पा रही हूँ और मिल्क पाउडर डाल करके मैं इसे अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अगर आप बिना मिल्क पाउडर के भी इस मिठाई को बनाओगे तो ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ मैं मिल्क पाउडर डाल रही हूँ। तो देखिए इसे मैंने अच्छे से जो है कि मिक्स कर लिया है। तो यहाँ मैंने ले लिया है इलायची पाउडर। तो मैंने 3-4 इलायची को मैंने कूट करके इसका पाउडर बना लिया है। इसके अंदर इसे भी डालेंगे, इसका फ्लेवर जो है हमारी मिठाई में बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो हमें जो है ना इसका 1 तार की चाशनी बनानी है। तो हम जो है कि कच्ची के ऊपर से इसे चेक करते हैं। ये देखिए अभी चिपचिपा सा है, अभी 1 तार नहीं बन रहा है। तो इसे हमें और पकाने की ज़रूरत है। तो बस अब हम चेक करते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि 1 तार बन रहा है। मैं इस तरह कर रही हूँ तो 1 तार बन रहा है। तो बिल्कुल हमें ऐसा ही चाहिए। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब इसके अंदर हमने जो बेसन और मिल्क पाउडर हमने मिला करके रखा है अब इसके अंदर हम इसे डाल देते हैं और इसे डाल करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस वक्त मैंने गैस को बंद कर दिया है। जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके बाद गैस को हम जो है चालू कर देंगे। तो ये देखिए मैंने गैस को जला लिया है और इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैंने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने गैस को जलाया है और गैस को हमने बिल्कुल स्लो रखा है। अब इससे हम स्लो गैस पे इसे पकाएंगे। इतने अच्छे से पकाएंगे कि जब ये अच्छे से यानी पक जाएगा तो
तो ये ड्राई हो जाएगा और जो है नीचे से ये कढ़ाई छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे वैसे ये नीचे से जो है कि पेन को छोड़ता जाएगा। तो हम इसमें कोई भी कलर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं क्योंकि बेसन है तो इसका कलर ही बहुत ही प्यारा होता है, तो इस वजह से हम इसमें कोई कलर नहीं डालेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक गया है यानी ड्राई हो गया है। अब ये देखिए कढ़ाई छोड़ने लगा है, इसकी यही पहचान है। अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा हम इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है, अब ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से थोड़ा सा इसे फैला करके इसे छोड़ देना है थोड़ी देर तक, एक आध मिनट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। तो मैं इस तरह फैला के इसे छोड़ देती हूँ। तो मैंने क्या किया है, इस तरह की पॉलिथीन ले ली है, इस पर मैंने घी लगा लिया है। आप चाहे तो बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इस तरह से अपने डो को इस पर रखेंगे। तो मैंने क्या किया है ना, इस तरह से मैंने डो को जो है कि बना लिया है। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ बेलन ले लिया है और बेलन की हेल्प से हम इस तरह से इसे बेल लेंगे, जितना आपको लंबा रखना है, मोटा रखना है उस हिसाब से। तो इस तरह से हमने इसे बेल करके जो है कि तैयार कर लिया है। ये देखिए, तो बेल करके तैयार करने के बाद हमने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट लिया है, इसके अंदर इस तरह से हम बिछा देंगे। ये ऑप्शनल है, इस तरह क्या होगा ना कि हमारी मिठाई देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। बस तो इस तरह से बिछाने के बाद आपको क्या करना है, हमें इसका रोल बनाना है। बस इस तरह से हम जो है कि पॉलिथीन को इस तरह से लेते जाएंगे और इस तरह से हम इसका रोल बनाते जाएंगे। जिस तरह से जो है कि जितना आपको मोटा और पतला रखना है उस तरह से आप इसे बना सकते हो रोल। तो ये देखिए इस तरह से जो है कि आपको रोल बना करके तैयार कर लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, रोल को फ्रिज में रख देंगे। एक आध डेढ़ घंटे में रोल हमारे अच्छे से सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक से डेढ़ घंटे रोल को मैंने रख दिया था और ये रोल हमारा एकदम सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, रोल को हम काटने से पहले यहाँ मेरे पास चांदी का वर्क है, इस पर मैं लगा देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि हमारी मिठाई देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी इस तरह से। तो ये चांदी का वर्क लगाना ऑप्शनल है और मैं बस इसलिए लगा रही हूँ कि मिठाई हमारी देखने में बहुत ही सुंदर लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम पीसेस में कट करेंगे इस तरह से, और इस तरह से हम सारी मिठाई को कट करके हम तैयार कर लेंगे। और इसे आप अगर बहुत जल्दबाजी है तो आप इस रोल को जो है कि फ्रिज में रख दोगे तो कम से कम एक आध घंटे में अच्छे से सेट हो जाएगी। तो ये देखिए मिठाई हमारी बहुत ही बढ़िया से बनी हुई है और बहुत ही बढ़िया से ये रोल हमारा सेट हो गया है। और जो हमने ड्राई फ्रूट डाला हुआ था ना, ये देखिए जो है कि काटने के बाद ये दिख रहा है और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरह से जो है कि दीपावली पे आप ये मिठाई बना सकते हो बिल्कुल कम समय में और कम इंग्रेडिएंट से। तो है ना, बहुत ही बढ़िया से ये हमारी मिठाई बन करके ले रही है और ये मिठाई मुंह में जाते ही घुल जाएगी, एकदम सॉफ्ट बनी हुई है। मैं एक मिठाई आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये मिठाई कितनी बढ़िया बनी हुई है, एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएगी। तो है ना, बहुत ही बढ़िया सी ये मिठाई। तो आप इस दिवाली जो है कि बाहर से मिठाई लाने की क्या ज़रूरत है, आप इस दिवाली घर पे ही इस तरह से आप मिठाई बना करके तैयार कर सकते हो। तो ये मिठाई मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितनी सॉफ्ट है और मुँह में जाते ही घुल जाएगी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको हमारी मिठाई की रेसिपी कैसी लगी। तो फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।